देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। बढ़ती महंगाई और आसमान को छूते पेट्रोल डीजल के दामों पर आज कांग्रेस ने जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि जिस तरह से आज महंगाई आसमान छू रही है उसे कंट्रोल करने में मोदी सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ नारा देकर ये लोग 2014 में सत्ता में आए थे, लेकिन आज जब पेट्रोल 160, डीजल 95, रसोई गैस 875 और खाने का तेल 220 रुपए लीटर हो गया है तो इनकी तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला। इसका विरोध करने के लिए भी सब लीडरशिप बैठी है। विरोध हम प्रकट कर रहे हैं कि आज कोरोना की बीमारी में पेट्रोल और डीजल की दूसरी चीजों में कमी होनी चाहिए। सरसों के तेल में भी बढ़ोतरी होगी, दालों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, कितने कितने परसेंट हो गया। आज मोदी सरकार जो दावे करती थी कि जो गरीब आम के साथ खड़ी है, आज कहीं उनका आदमी दिखाई नहीं देता। कांग्रेस आम आवाम की आवाज़ बुलंद करते हुए नेशनल लेवल के इस एजिटेशन के प्रोग्राम में आज जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को देखते हुए नौशहरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल पंप नौशहरा पर प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नाराजगी जताते हुए पेट्रोल 100 रुपए लीटर होने पर केक काटकर नाराजगी जताई गई और केंद्र सरकार से अपील की गई कि जल्द से जल्द डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। साथियों, जैसे आपने सुना है कि आज इस देश का जो है हाल है वो सभी के सामने है। हम देख रहे हैं कि किस चीज़ में रियायत है, लोगों का जो है सभी कुछ नष्ट हो गया है। चाहे किसानों को देख लीजिए या लोगों को, जहां पर यह डीजल और पेट्रोल की बात है आज तक हमने नहीं सुना कि ये रेट हैं और 100 रुपये भी पार कर गए हैं। और इसी के जरिए जो है महंगाई बढ़ती है, क्योंकि अगर कर्ज बढ़ेगी तो उसके साथ महंगाई जो है वो भी आसमान को छू रही है। बाकी आप खाने वाले तेलों को देखें तो सरसों का तेल है इस वक्त 250 रुपये तक चला गया है। कौन सी चीज़ कम है जिसको लेकर लोग गुजारा करें? डीजल के बारे में था कि डीजल और पेट्रोल जो है ये 100 रुपये से क्रॉस कर गया है और पहली दफ़ा ये हमारे नौशहरे में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है कि डीजल पेट्रोल जो है 101 रुपया यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं यही प्रोटेस्ट था हमारा कि जो पेट्रोल डीजल है ये कांग्रेस ने इतनी देर हुकूमत की, बाकी पार्टियों ने की, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कभी भी 50-60-70 रुपये से ऊपर नहीं हुए। तो इसलिए हमारा ये आज प्रोटेस्ट था। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर और जितनी भी ये चीज़ें हैं इनकी तरफ ध्यान दें। 2014 में उसके प्राइस थे वो पर बैरल $120 के आसपास थे, लेकिन वही बैरल आज $40 का मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में इन्हें। लेकिन फिर भी जो तेल के प्राइस हैं, पेट्रोल के प्राइस हैं, वो आज लगभग डबल हैं 2014 के बाद से। तो डबल टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, तो इससे गरीबों पर असर पड़ रहा है, आम जनता पर असर पड़ रहा है, एक स्टूडेंट पर असर पड़ रहा है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। महान अभिनेता मोहम्मद यूसुफ यानी कि दिलीप कुमार के दुखद निधन पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भावनात्मक संदेश दिया। आज सुबह सुबह बहुत अफसोसनाक खबर सुनी कि यूसुफ जनाब दिलीप कुमार साहब इस दुनिया फानी से चल बसे। वो बहुत ही नेक आदमी थे और उनका मुकाबला नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में भी और इंसानियत में भी। मैं उन्हें, उनकी बेगम और सारे खानदान के साथ इस गम में शामिल हूँ।
स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने सराय पाइन लाल चौक में दुकानदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसने एक अन्य दुकानदार शौकत अहमद पर लोहे की रॉड से हमला किया। ये न्याय की मांग कर रहे हैं। यम चीज गई तम सात यो मतलब लड़ाई ये गुम पत गई नतीज गई तम बायन दोन गई लड़ाई त्रेमिस बैस गई डेथ ये जन तुम लकुट लकुट अयाल ओतर तो गई तन सो मसल वे रात गो चूंकि ये ब्याा अख मसल इंसीडेंट अख ये एम ए सन्स यह दरगाह हजरत वल रोजान अमस मुश्ताक अहमद मीर नाव मोहम्मद उल्ला मीर अमस फादरस नाव यम जनाब मोहतरम कम ये दुकान यम गाड़ थे हूं बेकि साइड पार्किंग ये जन अज तान हर टाइम आज तान मार्केटिंग तो प्रेसिडेंट तमन कर्मुत कन्वे कि भाया अच्छा रोजन लसन बसन ये रोजान तुम सोचो अत पे करो थोड़ा गौर खोज मगर कह तमो नी पे तरफ कह एक्शन बेस पुलिस मे त्रम रिटन लेटर मतलब मस्जिद इकरा सरायवला इकरा मस्जिद तमें तरफ त्रोमुत एस एच ओ सबस लेटर मगर मे बसान यमो नी एक्शन वेक्शन कह वन गए पत आए दिन ये परेशानी गांव वन तुम रिसेंटली वोचमत ओतर गए मसल मगर सो मसल गए क्लियर मगर यूज गुंडगर्दी ये बढ़ेम यूज गुंडगर्दी यमो बढ़ेम ये गई रात और दुकान पे इन शाम तमिश सी सी टी वी फुटेज तुम वो सो सर्कुलेट वंक सोशल मीडिया पे तम पे अगर तुम यू तुम निश प्रोड्यूस कर रात गमत दुकान बुत गाड़ रुकम तम मकसद आयरन राड कड़म तमो हमल कर्म जानलेवा हमल कर्म ये सी अनकॉन्शियस गुमत पत वो योर स्टेट हॉस्पिटल तो तुम तम सी स्कैन वटी स्कैन तमिस गमस नेकस फ्रैक्चर। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के जूरी मांज गांव के निवासियों ने सोमवार को मुख्य सड़क से उनके गांव तक की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर आरएनबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और विभाग पर उनके गांव में सड़कों की जर्जर स्थिति के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप लगाया। हमारी मांगे हमारी मांगे आरएनबी आरएनबी हमारी मांगे हमारी मांगे आरएनबी। हम यहाँ से जुर्मत से बोल रहे हैं सर, हमारा रोड का मसला है सर। मुझे लगता है सैंतालीस से हर जगह पे रोड बनाए जब से मतलब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से हमको रोड नहीं है। हम हर एक का दरवाज़ा हमने खटखटाया है रोड के लिए, लेकिन आज तक हमारे इस मुश्किल का अजाला नहीं हुआ है। हम एलजी साहब के पास भी गए थे और डिविजनल कमिश्नर साहब के पास भी गए थे पहले, और हमारा डीसी साहब उसके पास भी गए हैं, लेकिन हमारे इस मुश्किल का अजाला नहीं हुआ है। हमको कोई डिलीवरी केस होता, कोई बीमार होता, कुछ होता है, लेकिन उस टाइम हमको बहुत परेशानी होता है। आप खुद ही देखो इधर अभी 6 महीने के बाद हमारा ये रोड खुल गया है, लेकिन अभी भी चलने की काबिल नहीं है, इस समय भी चलने की काबिल नहीं है। हमारा यही मोतवाना गुजारिश है डीसी साहब से और एलजी साहब से, हम इस रोड को मतलब ठीक करना चाहिए, रेज करना चाहिए। ये अत मकान नार लोगस गरीब आवाम ये अंस ये मुश्किल पेश गरी तवे गुजारिश कर सरकार सह दिन अत कु नजर सीन ये खास कर बांडीपोरा डीसी साहब से गुजारिश कर ओत तुम्हें तमिस सीन योर यह अलाक तम सी तलिस मजा सुदीन यद नजर नम छा मुश्किलात समज किन किन छन। पुंछ के दूर दराज दरादुलिया पंचायत में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुष डिपार्टमेंट और प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों में मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई और लोगों में मास्क भी तस्कीम किए गए। इस पर वहां के मुकामी लोगों ने महकमे आयुष और प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। नसीराबाद चिंकीपोरा सोपोर रोड जो कई क्षेत्रों को जोड़ता है खराब स्थिति में है और अधिकारी गहरी नींद में है। आपको बता दें औकाफ कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल अहमद मीर ने कहा कि खराब सड़कें हमें दर्द दे रही हैं, कोई भी सड़क के बुनियादी ढांचे की परवाह नहीं कर रहा। ये सो कम्प्लीट गई यी तम सी सहूलियत वमी खुश ज्यादा ये प्रॉब्लम गांस अत मेकडम सह गो डिस्टर्ब सिर्फ सीमेंट गर्द तो सीखे गर्द वनस सड़क पे। आज सुबह लगभग 11 बजे छात्रों को उनके करियर के बारे में प्रेरित करने के लिए
मेजर राहुल जिंजर कंपनी कमांडर PDG COB डॉक्टर बुरहान और लारिकपुरा पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर बिलाल ने युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किया। हमारे लिए तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या बताऊँ, हमें इस तरफ तवाजा नहीं देते, लेकिन हमारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मेजर राहुल सर का, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। और हमें अब डर गए थे पहले, लेकिन आके ऐसे हालात नहीं है, तो हम यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने आपने अपना वक्त यहाँ पर तोड़ा और हमसे बात की, गुफ्तगु की। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और जो यहाँ की बेरोज़गारी है ये ख़त्म होनी चाहिए। और डॉक्टर बुरहान को तो इन्होंने यहाँ पे जो होता है यूथ को भी बुलाया था, तो इसमें हमने इनको काउंसलिंग की है कि क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स है वेटनरी एंड एनिमल साइंस में इन द इंडिया, और अब्रॉड का भी थोड़ा हमें पता है, तो उस रिलेटेड हमने इनको बताया है। इसमें हमने इन डिटेल्स इनको बताया है कि इन जनरल जो होता है ओवरऑल सिनेरियो क्या है वेटनरी और एनिमल साइंसेस का इंडिया में, इसके एडमिशन प्रोसेस, फिर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है इसके, और उसके बाद हायर स्टडीज़ या जॉब प्रैक्टिस, वो हमने इनको इन डिटेल बता दिया है क्या है। और उसमें जो होता है मेन हमने इनको जो बताया है कि जो हम लैक करते हैं हर किसी जो होता है, जो काउंसलिंग का एक मेन मकसद होता है कि इनके इंटरेस्ट को पहले जगाना है, कि चाहे वो एजुकेशन हो या ओवरऑल इनका किस में इंटरेस्ट है, वो हमने इनको जो होता है पहले उस पे हमने इनको फोकस किया है कि यू हैव टू सी योर ओन इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस में जाता है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो। हमें एक फ्लो की तरह नहीं जाना चाहिए कि जैसे हम अपने समय या इस वक्त भी जो ट्रेंड है कि एक फ़्लो की तरह जाते हैं, कि एक ही स्ट्रीम की तरह जाते हैं, बट यू हैव टू इस समय जो होता है, अगर हम ओवरऑल कंडीशन देखेंगे ओवरऑल इंडिया या विद द चेंजिंग सिनेरियो की डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स है, जो हमें इवन हमें भी पता नहीं होता है कि क्या 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 प्रॉस्पेक्ट्स है, क्या क्या एवेन्यूज़ होते हैं डिफरेंट जो होते हैं सेक्टर्स की। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।